हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 6 में देखो लेसन नंबर 3 है, जरा मुस्कुराइए। तो जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कान के लिए मजबूर करे। कि हास्य यानी कि हंसी जीवन में बहुत महत्व है। हास्य जीवन दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, इसके लिए सब एक्सरसाइज भी करते हैं। तो आइए ऐसे कुछ चुटकुले देखते हैं जो अपन मुस्कान रोक नहीं पाएंगे। तो मालिक किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते हो। अभी मकान मालिक बोलता है किराएदार के कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं दे रहे हो। किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। तो किराएदार बोलता है आपने तो कहा था इसे अपना घर समझना, तो अभी मेरा घर खुद का है तो फिर मैं क्यों किराया दूं। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ। अभी सोनू है, उसका सर फट जाता है। डॉक्टर उसे पूछे कि यह कैसे हुआ। सोनू डॉक्टर से कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। के सोनू बोलता है डॉक्टर से कि मैं पत्थर से किल को ठोक रहा था तो एक आदमी ने मुझे कहा गधे अपने खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। इसके लिए वो क्या करता है, अपनी खोपड़ी से वो किल वो डालने लगता है, इसके लिए उसका सर फट जाता है। जरा ऊंचा बोलो। माफ करे अंकल, उससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। अभी बोलता है कि थोड़ा ऊंचा बोलो, यानी जरा जोर से बोलने को बोलता है। तो ये देख टेबल पे बैठा लड़का, तो वो बोलता है अंकल माफ करना, उससे भी अभी मैं ऊंचा होकर बोल सकता नहीं हूं। अबू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए। अभी उसके पिताजी लड़के को पूछते क्यों तुम इतिहास में कैसे फेल हो गए। इतिहास यानी हिस्ट्री, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अभी लड़का क्या बोलता है कि सभी प्रश्न है वो जब तक मैं पैदा नहीं, उसके पहले के जो प्रश्न पूछे तो मुझे तो कैसे आएंगे, इसके लिए मैं उसमें फेल हो गया हूँ। मुन्ना, पापा कल मैं रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। अभी मुन्ना अपने पापा से कहता है कि मैं कल रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की है। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को तो 11 बजे के बाद तो सारे मॉल की लाइट चली गई थी। पिता बोलते शाबाश बेटे, बाद में बोले लेकिन बेटा कल तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी 11 बजे तक। मुन्ना, सच में तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। तो लड़का को पढ़ने में इतना व्यस्त था, मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि लाइट कब चली गई। उसके आगे दस्तक डाक खाना, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। ये बोल रहा कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ, ही इतना भूखा है कागज पत्र भी खा जाता है। बोलते कि ये तो कितना भूखा है, वो कागज पत्र भी खा जा रहा है। तो देखो उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन आंसर अभ्यास का करना है, तो सामायिक अखबार के चुटकुले पढ़े और सुनाए, यानी आप लोग को कोई भी चुटकुले लिखने हैं बराबर। उसके बाद इसमें मुहावरे ढूंढना है बराबर, उसके बाद उसमें का वाक्य में प्रयोग करना है। देखो आंखों का तारा बराबर, तो इसी तरह और हो गए तो आप लोगों को ढूंढ के करना है। उसके बाद रेखांकित शब्दों को लिंग बदल कर वाक्य में बदले, मेरे दादाजी यात्रा कर पर गए हैं, तो क्या आएगा मेरी दादी जी यात्रा पे गई है, ऐसा लिंग परिवर्तन आप लोग को करके कंप्लीट करना है। उसके बाद उदाहरण के अनुसार शब्दों को चार चार वाक्य में प्रयोग करिए, यानी चार चार वाक्य उसके लिखने हैं। एक कैसे घर का बना उसी तरह बाघ का चार वाक्य, नदी का उसी तरह आप लोग को करना है। कहावत का अर्थ लिख के, एक कहावत है उसका अर्थ लिखने है, तो ये सब आप लोग को कंप्लीट करना है नोटबुक में। थैंक यू।